असल नाजरीन, मैं हूं असद अली तूर, अपना प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम दो चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो जो पपेट मिनिस्टर हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं कहना चाहिए, पपेट मिनिस्टर हैं, अनवारुल हक काकड़। उन्होंने जो पाकिस्तान को, पहले तो हम लोगों को तो एक वो कर ही रहे थे, तकलीफ़ दे रहे थे, जो हरकतें वो कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने आलमी सतह पर भी पाकिस्तान को जो एम्बेरस करने का सिलसिला शुरू कर रखा है, ज़रा वो आपको कुछ आज बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम आपको जो बनाई गई है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, उसका जिसे कहते हैं ना बढ़ते कदम और सिविलियंस की ख़त्म होती स्पेस के बारे में बताएंगे, और किस तरह से अब जो पाकिस्तान के जो एक बिजनेसमैन माफिया है वो अब फौज के साथ मिलके क्या आने वाले दिनों में गेम खेलेगा, हम आपको बताएंगे, और खून किसका नुचड़ेगा, मेरा आपका, ठीक है। तो वो ज़रा हम आपको आज वो भी बताएंगे। तो अनवारुल हक काकड़ साहब, आपको पता है फौज की चॉइस है, अब तो वो खुद एतराफ भी कर रहे हैं कि वो फौज की चॉइस है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो और हम तो, आपको पता है, डे वन से आपको खबर दे रहे थे कि अनवारुल हक काकड़ दरअसल फौज की चॉइस हैं, शहबाज शरीफ साहब और जो फॉरेन प्राइम मिनिस्टर थे और जो उस वक्त के अपोजिशन लीडर थे राजा रियाज, उन लोगों के कनपट्टी पर बंदूक रख के, तो अनवारुल हक काकड़ के नाम के ऊपर बज़ाहिर, मतलब महावरतन, उनके कनपट्टी पर बंदूक रख के इनके नाम पर एग्री करवाया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। अब देखिए, मौसूफ ने ये वो एक छोटा इंसान बन गया ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ले जाके बैठा दिया है, जो कि बकौल मकबूल बाकर साहब के बोने, बड़े ओहदों पर बिठाकर आप उनसे बड़ा काम नहीं ले सकते, बोना बोना ही रहेगा, वो छोटा काम ही करेगा। तो मौसूफ कभी जहाज लेकर न्यूयॉर्क घूमने निकल जाते हैं, कभी पेरिस में एफिल टावर देखने चले जाते हैं, कभी सऊदी अरब उमरा करने, सरकारी जहाज है, पेट्रोल इस गरीब कौम का उसमें जल रहा है, पार्किंग फीसें ये कौम अदा कर रही है, एफिल टावर के ऊपर 300-300 यूरो के खाने के बिल ये कौम अदा कर रही है, न्यूयॉर्क के होटलों के बिल ये कौम अदा कर रही है, और अनवारुल हक काकड़ घूमने लगा हुआ, ठीक है, वो आ गया, बस हमने बंदर को बादशाह बना दिया तो वो दरख्तों पे छलांगे मार रहे हैं, हम नीचे बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, उसमें क्या होता है। अनवारुल हक काकड़ तो कम अज़ कम अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, कम अज़ कम इस 25 करोड़ अवाम में से कोई एक शख्स तो अपनी ख्वाहिशें और ख्वाब पूरे कर रहा है ना, चाहे वो हमारे सर पर चढ़ के ही पूरे कर रहा है, हमारे खून पसीने ने छोड़ के पूरा कर रहा है, लेकिन चलें इस बात पे भी हमें खुश होना चाहिए कि कोई एक तो अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है, ठीक है। अब मौसूफ ने वो अपनी ख्वाहिशों में ना उसने रखा हुआ कि मैंने ना ज़रा, वैसे तो इसको किसने मूल गाना था अनवारुल हक काकड़ को, लेकिन अब वो अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है कि मैं ज़रा आलमी मीडिया को भी इंटरव्यू दूँ, ताकि जब मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं रहूँगा ना, तो मैं अपने वो दिखाया करूँगा लोगों को, मैं तो BBC हार्ड टॉक में भी आया था, मैं BBC वालों को मैंने इंटरव्यू दिया था, मैंने फलां जगह पर भी इंटरव्यू दिया था, मैंने वाशिंगटन पोस्ट से भी टॉक की थी, मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका को भी इंटरव्यू दिया था, मैं कोई इतना छोटा इंसान नहीं हूँ। वो मुल्क की प्रोफाइल की जगह अपनी प्रोफाइल बनाने लगा है, ठीक है, और वो प्रोफाइल हमें आलमी तौर पर एम्बेरस करके भी बनवाने पर लगा है, ठीक है। अब उसने पहला इंटरव्यू दिया वो BBC हार्ड टॉक को, उसमें एंकर मौसूफ से पूछती हैं अनवारुल हक काकड़ से, उनको ये लेक्चर देते हैं, जस्टिफाई करते हैं उनके आगे बैठ के कि असल में सिविलियन गवर्नेंस के मामलात में डिलीवर नहीं कर सके, इसलिए फौज स्ट्रांग होगी, तो अब फौज की तरफ ही लोग देखते हैं और फौज से ही लोग तवक्को रखते हैं। भाई 75 सालों में सिविलियंस को डिलीवर किसने नहीं करने दिया? अयूब खान ने मार्शल ला किस लिए लगाया था, ठीक है, जियाउल हक
ने क्यों वो तहरीक चलवाई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ, ठीक है, और फिर उनके खिलाफ मार्शल लॉ लगा के उनको फांसी दे दिया। 90s में तमाम हुकूमतें अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो वहीद काकड़ से लेके तो जनरल मुशर्रफ तक, कौन वज़ीर आज़म से जाकर इस्तीफे लेते रहे और वज़ीर आज़म को कैद करते रहे। फिर खुदा खुदा करके 2008 में जब जमहूरियत आई, ये मेमो गेट के स्कैंडल कौन करवाता रहा, ठीक है, ये किसने सुप्रीम कोर्ट को इस काम पे लगाया हुआ था कि मुंतखब वज़ीर आज़म और हुकूमतों को डिस्टेबल रखो, क्या ये मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट नहीं थी? 2014 के धरने क्या जनरल जहीरुल इस्लाम ने नहीं करवाए थे? क्या जनरल शुजा पाशा ने पीटीआई नहीं बनाई थी? क्या डॉन लीक्स एक एक्सीलेंट सीरियल मर्डर की स्टोरी को ट्विस्ट दे के मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, लॉकडाउन इस्लामाबाद और सब कुछ नहीं किया था? क्या पानामा के स्कैंडल में जजेस को नहीं मैनेज करके एक थ्राइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करवाया गया था? क्या यूसुफ रजा गिलानी को मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने नहीं डिस्क्वालीफाई करवाया था? क्या रिको डिक के ऊपर 2011-12 में वो जो फैसला था वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने नहीं करवाया था जिसकी वजह से मुल्क को $6 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ? क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके, धांधली करके इमरान खान साहब को 2018 में हुकूमत नहीं लाया गया? वो बाजवा डॉक्टर आइन नहीं था? तो भाई सिविलियन डिलीवर कैसे करते, उनको तो करने दिया ही नहीं गया, उनको आज तक गवर्नेंस नहीं करने दी किसी सिविलियन प्राइम मिनिस्टर को। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में किसी सिविलियन प्राइम मिनिस्टर को अपना टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया, ठीक है, और पाकिस्तान की 75 साल तारीख में सिर्फ एक चीफ जस्टिस, वो नसीम हसन शाह, और एक आर्मी चीफ, वो क्या नाम है, जनरल जहांगीर करामत, इन्होंने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया था। बाकी सब ने अपना टेन्योर भी पूरा किया, बल्कि एक्सटेंशनें भी ली, सिविलियन एक नहीं पूरे कर सका आज तक पाकिस्तान की तारीख में, ठीक है। आप लेक्चर दे रहे हैं बैठ के वहां पे, और फिर उन्होंने कहा कि इसका मतलब है आप फौज की चॉइस है, तो कहता है हाँ हाँ मैं फौज की चॉइस हूँ, मैंने तो कभी इस बात को तरदीद नहीं की, ना मैं इस बात पर माजरत खा हूँ, ना मैं ये इंप्रेशन देना चाहता हूँ मैं फौज का आदमी हूँ। मैं ये इस शख्स की इतना डिसग्रेस्ड इंसान है, इतना ये शख्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का कद घटा रहा है, ठीक है, इसको पपेट को लाके बैठा दिया। वही बीबीसी उर्दू के क्लैन इमाम साहब को इंटरव्यू देने चला गया, इतना बेशर्म है, उधर कहता है कि सिर्फ 50 लोग बलूचिस्तान में मिसिंग है, सिर्फ 50 यार, और फिर ये कहते हैं नहीं हम बलूचिस्तान से प्राइम मिनिस्टर लाए, जो बलोच का सगा नहीं है, अपने सूबे का सगा नहीं है, वहां पे पिस्ते लापता अफराद की फैमिलियों का सगा नहीं है, वो शख्स इस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठा के आप बलोचों के खून जख्मों पर मरहम नहीं रख रहे, नमक छिड़क रहे हैं, कह रहे तो 50 लोग मिसिंग है। और फिर कहता है वो कश्मीर के अंदर इतने, उस क्लान में हमने घुमा के थप्पड़ मुझे मारा, उसने कहा मैं इंडियन कश्मीर के लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू करूंगा, फिलहाल मैं पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से कह रहा हूँ तो मैं पाकिस्तानी हालात के बारे में पूछूंगा, तो कहता नहीं नहीं मैं क्योंकि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है तो पूरे रीजन का कंपैरिजन कर रहा हूँ। भाई तुम्हारी क्या औकात, इस वक्त जो पाकिस्तान के माशी हालात हो गए हैं, जो दहशतगर्दी यहाँ पर बढ़ गई है, जो हम दाखिली बहरान का शिकार हैं, जो आईनी बहरान का शिकार है, ठीक है, जो जमहूरियत हमारी बहरान का शिकार है, उसमें तो आप बांग्लादेश से भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। इंडिया के $599 अरब के फॉरेन रिजर्व हैं, बांग्लादेश के $30 अरब के फॉरेन रिजर्व हैं, हमारे कितने के, $7 अरब के, हमारी औकात नहीं है हम किसी के साथ, तुम तो किस मुंह से कंपैरिजन कर रहे हो, और कह रहे हो 50 लोग मिसिंग है बलूचिस्तान में, सैकड़ों लोग मिसिंग है बलूचिस्तान में, गैरतमंद हो, तुम्हारे अंदर जरा भी एक कतरा खून का तुम्हारे अंदर, तो जाओ जाके किसी दिन मिलके बात करके दिखाओ समीउद्दीन बलोच से, सईदा हमीद बलोच से जिसका बाप उठाया हुआ है, समीउद्दीन का बाप उठाया हुआ है, जाओ जाके सच्चल की दादी से बात करके दिखाओ, सच्चल से बात करके दिखाओ, तुम्हें पता चले बेशर्म इंसान तुम बैठ के बता रहे हो कि सिर्फ 50 लोग मिसिंग हैं, और वो भी इंटरनेशनल मीडिया पर इंटरव्यू देकर हमें बेइज्जत करवा रहे हो, जरा बताओ ना। और फिर इस बेशर्म इंसान से पूछे आप, ठीक है, मुझे तो इसके हैंडलर से भी हैरत होती है। मैं
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से पूछना चाहता हूँ, डीजीआईसी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब से पूछना चाहता हूँ, डीजीसी जो आईएसआई है मेजर जनरल फैसल नसीर, उनसे पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को भी देख के एम्बेरसमेंट नहीं होती कि ये क्या चीज़ आप लाए हैं? या कम से कम उसे शटअप कॉल ही दे देंगे कि भाई बात सुन, तुझे ले आए ना, तुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठा दिया, हमने अपनी ताकत का मुजाहरा कर दिया कि जो हमारे साथ होगा उसका इस लेवल का भी फुद्दू लग देगा कि वो प्राइम मिनिस्टर भी बना देंगे हम उसको। हमें मालूम है फौज का मैार यही है कि फौज का कुत्ता जोरो भी हो तो वो ड्रामे में एक्टिंग करने पहुंच जाता है, वो फिल्म स्टार बन जाता है। ठीक है, वो मेजर होते थे, अब लेफ्टिनेंट जनरल हैं आसिफ गफूर साहब, DGISPR जब होते थे उनका कुत्ता ड्रामों में काम करता था। तो हमें पता है आपका मैार यह कि आप कहते हैं कि हमारा तो कुत्ता भी ड्रामों में काम करेगा और तुम्हारा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी होगा तो हम उसको फांसी लगा देंगे, उसको डिसक्वालीफाई करवा देंगे, या हम आप सिविलियंस को हमें हमारी औकात बताते हैं, हमें मालूम है। लेकिन यार इस लेवल तक तो हमें हमें हमारी औकात बताएं, ठीक है, लेकिन आलमी सतह पे हमें एम्बेरस करवा रहे हैं आप लोग, और फिर आप कह रहे हैं हम इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं, हम इस मुल्क में बेहतरी चाहते हैं। क्या बेहतरी हो रही है? ये अनवार काकड़ जैसे पपेट ला के आप कह रहे हैं बेहतरी करें, जिसकी कॉम्पिटेंस जीरो है, और वो ऊपर से जाकर इंटरनेशनल मीडिया में बैठ जाता है, वो न्यूयॉर्क चला जाता, नहीं मैं जनरल असेंबली से खिताब करने वाला सरकारी जहाज लेके चला गया, और न्यूयॉर्क में एक उसको हेड ऑफ स्टेट मिला, वो भी ईरानियन प्रेजिडेंट, या बाकी वो ट्वीटिंग कह रहा था मेरी वाशिंगटन पोस्ट के जर्नलिस्ट से मुलाकात होगी। ये उसका लेवल ऑफ वो था कि मेरा इतना बड़ा भाई, ये वाशिंगटन पोस्ट के जर्नलिस्ट के लिए एजाज की बात होनी चाहिए कि उसकी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के लिए ये इतनी ऑनर की बात नहीं है कि वो ट्वीटें करता फिर रहा है। ये इस शख्स का लेवल है, और मुंह खोलता तो और बेइज्जत करवा देता है हमें। क्या यार जी लेके आ गए? फिर अब देखिए के SIFC का इजलास हुआ, ठीक है, और उसमें अब जो SIFC का मैंडेट बढ़ाया गया, अब हम बताते हैं SIFC काम कैसे करती है। इसमें एक है एग्जीक्यूटिव कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है वो मुख्तलिफ प्रपोजल्स बनाती है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के, और वो प्रपोजल्स वो फिर SIFC को रिकमेंड करती है, और SIFC उसको फाइनल अप्रूवल देती है। इट्स लाइक ये एक पैरेलल गवर्नमेंट सिस्टम है इस वक्त, ठीक है, सिविलियन लाइक, जिस तरह ECC होती है ना, वो इकोनॉमिक मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो ग्रांट्स होती हैं, जो डिसीजन होते हैं वो लेती है, और फिर फाइनल अप्रूवल के लिए कैबिनेट को भेजती है। तो फिर जब काबीना अप्रूवल दे देती है तो वो प्रोजेक्ट फिर इंप्लीमेंट होता है। सेम वे में अब SIFC एक फौज का एक वो है जिसमें सिविलियंस बस दिखावे के लिए डाल दिए हैं, उसमें एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिसकी सरबराही प्लानिंग कमीशन के मिनिस्टर करते हैं, और जो वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है CGS लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद जो भी हैं तो वो उसकी सरबराही करते हैं, ठीक है, यानी कि उसमें भी एक लेफ्टिनेंट जनरल और एक मिनिस्टर नाम का डाल दिया उसके अंदर, असल में लेफ्टिनेंट जनरल साहब ही उसकी सरबराही करते हैं, ठीक है। तो अब वो प्रोजेक्ट्स प्रपोज करती है, फिर SIFC उसको अप्रूव कर देती है। तो अब SIFC ने अपना मैंडेट मजीद बढ़ाया, पहले ऑलरेडी ये मिनरल्स प्राइवेटाइजेशन और ये वो सब कुछ देख रहे थे, ठीक है, अब जो उन्होंने अपना स्कोप बढ़ाया उसमें उन्होंने अब जो चीज़ें नई शामिल की हैं, एक तो अब वो मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस भी रिव्यू किया करेंगे, ठीक है, कि हमारे वुजरा अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं, हमारी मिनिस्ट्रीज में प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो रहे हैं कि नहीं, ये कौन देखेंगे? आर्मी चीफ साहब और उनके साथ बैठ के प्राइम मिनिस्टर साहब, यानी कि ये इन अदर वर्ड जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट फौज को दिखाया करेगी कि सर हमारे को तख्ता ना उलट दीजिएगा, 3 महीने की और एक्सटेंशन दे दें, देखें हमने ये प्रोजेक्ट्स किए हैं इन 3 महीने में, ये हालत होगी, ठीक है। फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, चलिए अगर कोई इन्वेस्टर है उसको किसी मिनिस्ट्री में इशू आ रहा है तो हमने रिजॉल्व करना है, ये फौज रिजॉल्व करेगी बैठ के SIFC में, ठीक है। इसकी वजह क्या है? अब ये इतने दिनों से लगे हुए थे कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, SIFC हमने बनाई इसलिए ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, यही मोटो था, इसीलिए लाई गई थी। अब क्या किया जा रहा है? अब कहा जा रहा है कि नहीं,
जो लोकल इन्वेस्टर है ना उनको भी फैसिलिटेट करेंगे। जब लोकल इन्वेस्टर का एतमाद बहाल हो जाएगा तो फिर हम फॉरेन इन्वेस्टर भी देखेंगे। और उसकी वजह यह है कि पिछले दिनों आर्मी चीफ जनरल सिमरन ने लाहौर और कराची में बिजनेसमैनों से मुलाकात की थी, जो बिजनेस माफिया से मुलाकात की थी, जो मेरा आपका खून चोर निचोड़ रहे हैं, जो टैक्स चोर हैं, जो सस्ती बिजली लेते हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए, जो सस्ती गैस लेते हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए, जो अरबों के महलों में रहते हैं, जो डॉलर जखीरा करते हैं, उनसे जब आर्मी चीफ ने मुलाकात की तो उन्होंने कहा जी हमें बिजनेस में बड़ी मुश्किल आती हैं पाकिस्तान में, तो आप हमें भी SIFC के मैंडेट के नीचे लेने। तो अब होगा ये कि अब आप आने वाले दिनों में, वो खुर्रम हुसैन साहब ने पिछले दिनों आर्टिकल भी लिखा था विच मेक सेंस, अगर हमें नज़र आए कि जो बिजनेसमैन है पाकिस्तानी, ये माफिया जो है, जो भी चीज़ें प्राइवेटाइज होनी है, ठीक है, ये ओने पौने दामों कौड़ियों के मोल इसी बिजनेसमैन माफिया को जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के करीब है अगर रेवड़ियों की तरह बांट दी गई तो कोई हैरत की बात नहीं। और फिर इनसे ये भी नहीं पूछा जाएगा कि ये जो आप मुख्तलिफ स्टेट एंटिटीज़ को हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं और आप ख़रीद रहे हैं, इसके लिए जो आप सरमाया ला रहे हैं वो आपके पास कहाँ से आया? ये उस तरह अपना काला धन भी सफ़ेद कर देंगे, लाइक एक बिजनेस मैन के पास अगर 1 अरब रुपया हराम की कपाई पड़ी हुई है, ठीक है, और वो उसने कहीं टैक्स गोशवारों में डिक्लेयर नहीं की हुई, कहीं बैंक में नहीं रखी हुई, घर में छुपा कर रखी हुई है, ठीक है, उसके लिए बहुत आसान होगा काला धन साफ करना कि वो 1 अरब रुपये में जो वैसे वो यूज़ नहीं कर पा रहा था वो स्कूम से जाए, वो एक बैंक खरीद ले, ठीक है, उस बैंक का बैंक उसको मिल गया जिससे वह अरबों आगे कमाएगा और उसका 1 अरब भी वाइट हो गया। तो ये एक बड़ा सादा सा तरीका हो जाएगा। और वो कहेंगे जी हमने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो बिजनेसमैन को जो डिस्प्यूट आ रहे थे ना, जो मसले आ रहे थे, वो SIFC ने हल कर दिए, और देखें जी 1 अरब की सरमायाकारी आ गई। ठीक है, फिर आगे आ जाए जी एलोकेशन ऑफ गैस टू वेरियस सेक्टर्स। अब ये भी अगेन बिजनेसमैनों के लिए, ये कहते हैं हमें सस्ती गैस दो ताकि हम अपने कारखाने चलाएं, ठीक है, आप उनको गैस शैस की तकसीम भी यहीं पर तय होगी, कोई सिविलियन कोई गवर्नमेंट इसमें कुछ इख्तियार नहीं रहा। फिर वाटर सप्लाई स्कीम्स फॉर मेजर मेट्रोपोलिटन्स, ठीक है, ये भी अब SIFC देखेगी, हालांकि ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का मैंडेट होना चाहिए कि वो डेवलपमेंट स्कीम्स करे, लेकिन यहाँ पर ये SIFC देख रही होगी, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ सर्कुलर डेट, आपको पता है ना 2300 अरब से ऊपर का हमारा गर्दशी करता है, जो हमने मुख्तलिफ पावर कंपनियों को पेमेंट करनी है, सब कुछ करना है, ठीक है, जिन कंपनियों से फ्यूल लेते हैं उनको पेमेंट करनी है, सब कुछ करना है, वो भी अब कौन तक तय कर रहा होगा, करेगा SIFC, ठीक है। फिर ऑयल स्मगलिंग रोकनी है, भाई वो तो बॉर्डर्स पर फौज बैठी हुई है ना, वो रोके ना ऑयल स्मगलिंग। वो क्या कहा था शब्बर जैदी ने कि वो जनाब ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग रोकी तो क्वेटा के कोर कमांडर उनके दफ्तर में आ गए, उन्होंने कहा कि नहीं, स्मगलिंग ना रोकें, लोगों का रोजगार इससे चल रहा है। तो ये तो हाल है। और फिर PIA की प्राइवेटाइजेशन पर भी बात हुई, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस में की परफॉर्मेंस पर भी वहाँ पर बहस हुई SIFC के इजलास में कि पाकिस्तान की बाहर एम्बेसियाँ कैसे काम कर रही हैं। फॉरेन ऑफिस में बहस नहीं हो रही, उनकी परफॉर्मेंस वैल्यूएट हो रही, SIFC में हो रही है। फिर कहा जा रहा है कि थोड़ी बहुत सऊदी अरब से पेशरफ्त हुई है कि वो रिकॉर्डिंग में कुछ इन्वेस्ट कर लें, ठीक है, कहाँ $25 अरब आए थे, यहाँ पर अब थोड़ी थोड़ी पेशरफ्त की बात हो रही है, ठीक है। फिर SIFC ने अब जो हमारे IT फर्म्स हैं जो बाहर एक्सपोर्ट्स करती हैं, तो जाहिर बात है इस मुल्क को कीमती जर में बदला की ज़रूरत है, एक एक डॉलर के हम लोग तरस रहे हैं, वो उन पर ये पाबंदी थी कि वो 35% बाहर से, यहाँ पर बाहर जो टोटल वो बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, लाइक अगर वो 1 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट्स करते हैं तो $65 लाख उनको पाकिस्तान लाने ही लाने हैं, $35 लाख वो बाहर भी बैंक में रख सकते हैं। अब उनको इजाज़त दे दी गई है कि 35% की बजाय 50% बाहर सरमाया अपना रख सकते हैं, ठीक है, यानी कि अगर 1 करोड़ डॉलर को उन्होंने एक्सपोर्ट किया तो $50 लाख वो चाहें तो बाहर कर लें, ठीक है।
ये हालात हैं, ये सिविलियंस के पल्ले छोड़ा है इन्होंने, और ये सिविलियंस को दे दिया क्या है, अनवारुल काकर, ठीक है, कि इसको चूमो चाटो घूमो फिरो इसके साथ, और देख देख के इस प्लास्टिक के बंदर को खुश हो, ये नाच रहा है आपके लिए, ठीक है। और कौम 324 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाए, ठीक है, 1800 रुपये लीटर डीजल हो, जिसकी वजह से महंगी ट्रांसपोर्ट की वजह से जो सब्जियां आएंगी, जो सब कुछ आएगी वो महंगी मिलेगी, जो आप एक दूसरे शहर में सफ़र करेंगे महंगा होगा, इन्फ्लेशन का रेट 39% पे पहुंचा हुआ है, जो 50,000 से नीचे आमदन वाले लोग हैं, बिजली महंगी तरीन, सब कुछ महंगा तरीन, लेकिन आपके मसले हल करने के लिए कौन बैठा हुआ है, अनवारुल हक काकड़, जो 10 दिन से आपका सरकारी जहाज लेके पूरी दुनिया घूम रहा है कि अपनी ख्वाहिशें पूरी कर ले, ये है आपका हाल। और आप देखिए मस्तोंग में 60 लोग शहीद हो गए, 60 लोग, ये जब का कोर कमांडर कोयटा बने हैं मौसूफ, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब, आप चेक करें कोयटा में और बलूचिस्तान में टेररिज्म की वेव ऊपर गई है, कैसे कोर कमांडर हैं, ठीक, और हालात चेक करें कि वहां पर खड़े होकर सरफराज बुगटी साहब कह रहे हैं, मौसूफ वजीर दाखला जो हमारे हैं, कि नहीं ये इंडियन रा का हाथ है, भाई इंडियन रा का हाथ है, ठीक सारी बात है, भारत हमारा दुश्मन है, दुश्मन चाहेगा कि आपके मुल्क में डिस्टेबलाइजेशन हो, सब कुछ करता होगा, लेकिन आप यही चूरन हमें 20 साल बेचते रहे कि जो TTP है वो भारत की प्रॉक्सी है, आज वही TTP अफगान तालिबान के साथ यूं है, और अब आप कहते हैं अफगान तालिबान और वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं, ठीक है, और अब वो TTP भारत की प्रॉक्सी नहीं रहे, अब वो अफगान तालिबान का हिस्सा बन गई है, तो वो उन जर्नैलों से हमें जवाब लेके देना जो हमें 20 साल ये कहानी बेचते रहे। अब आप हमें बता रहे हैं कि वो इस्लामिक स्टेट खुरासान जो उनसी है वो जी भारत की फंडेड है, तो वो तो अफगानिस्तान में बैठी हुई है, अफगानिस्तान में भी दहशतगर्दी कर रही है, ठीक है, तो वो अगर भारत की फंडेड है तो उस भारत से तो अफगान तालिबान अपने सफारती ताल्लुकात बहाल करने जा रहे हैं। आपको मालूम है आज अफगानिस्तान में जो गनी रजीम के जमाने में जो अफगान सफारतखाना था वो बंद कर दिया गया, आज बंद हुआ है वो, और अब अफगान तालिबान का एम्बेसडर वहाँ पे जाके एम्बेसडर तैनात होगा, और इंडिया अपनी एम्बेसी में अपनी टेक्निकल टीम ऑलरेडी काबुल में भेज चुकी है। आपने आज तक अफगान तालिबान के मुंह से सुना है कि ये जो इस्लामिक स्टेट खुरासान है इसको इंडिया की फंडिंग है? वो नहीं कह रहे, उनके हाथ से वो आके हम पाकिस्तानियों को शहीद किए जा रहे हैं, रोज 12 रबीउल अव्वल का मुबारक दिन, और उस दिन भी हमारे वजीर दाखिला सच नहीं बोल रहे कि जो सांप अफगान टेरिटरी में पल रहे हैं ये हमारी ही गलत पॉलिसियों की वजह से पल रहे हैं। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।